सो हे गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल का और एक नया वीडियो में। सो एक्चुअली मेरा जो बोर्ड एग्जाम है वो 21st में फिनिश हुई है, और 21st में ही मैं एग्जाम देके घर आने के बाद मैं बांग्लादेश के लिए ऑलरेडी निकल गया था। पर एक्चुअली मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो 5 बजे ऑलरेडी बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाया। आके तुरंत खा के मैं चला गया। एक्चुअली हम लोग 21st में वहाँ पे जाके हम लोग एक होटल में था। 22nd मॉर्निंग 7 बजे हम लोग निकल गए था हमारा कॉक्स बाजार का जाने के लिए, और जाते वक्त क्या क्या हुआ ये मैं ब्लॉग में शेयर किया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत एंजॉय हुआ, और बांग्लादेश जो प्लेस है एक्चुअली मस्त एक जगह है। तो चलो तुम लोग ब्लॉग को एंजॉय करो, पूरा ब्लॉग जरूर देखना, और एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे थे कॉक्स बाजार में, मॉर्निंग के 6 बजे हम लोग निकल रहे थे हमारे होटल रूम से। अभी जो टाइम है वो है 12 o'clock, और अभी हम लोग यहाँ पे आके रुका हूँ। ये एक्चुअली जो जगह है उसका नाम है, जगह का नाम क्या था? पतंगा। तो अभी हम लोग पतंगा में रुका हूँ। तो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तुम लोग देख ही सकते हो, ये जो है ये छोटा छोटा जो होता है बोट जैसा ये है, और वहाँ पे जो है उसको लॉन्च कहते हैं। तो अभी फिर से हम लोग गाड़ी से हमारा जो कॉक्स बाजार का ट्रिप है वो फिर से स्टार्ट करूंगा। हम लोग को जाते जाते 5 या 6 बज जाएगा। ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये सब ये जो दुकान वगैरह है ये सब रात में बैठता है, तो अभी तो सब कुछ बंद है। और ये जो तुम लोग देख रहे हो ये लगता है जो घोड़ा होता है, वो घोड़ा की जो गाड़ी होता है ये सब है। सो गाइस अभी आए हो खाने के लिए, तो खा के इससे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो तुम लोग देख ही सकते हो ये जो है हमारा होटल है। तो अभी ये जो है ये हमारा गाड़ी है, तो फिर से अभी जो हमारा ट्रेवल है वो शुरू होगा। हमारा 3 या 4 घंटे गाड़ी में रहना पड़ेगा। এখন আমরা মলে যাবো। টাটা টাটা পতঙ্গা টাটা। सागड़ा बम्पर असना बोटी शेरा। सो गाइस अभी फिर से 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम लोग एक शॉपिंग मॉल में आए हो, और इसके बाद हम हमारा ट्रेवलिंग जो है वो फिर से स्टार्ट करूंगा। सो गाइस ये जो शॉपिंग मॉल है इसका नाम चिटागंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह के कुछ है, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, 2-3 फ्लोर है। दादा लूंगी गिनती। तो तुम लोग देख ही सकते हो ये जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स का बाहर का जो एरिया है वो है। तो इस ब्लॉग में मैं जो कॉक्स बाजार आया हूँ ये शेयर करूँगा, और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मैं कॉक्स बाजार का जो मेन ब्लॉग है वो अपलोड करूँगा। तो हम अभी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है उससे बाहर आ चुके हो कुछ खाने के लिए, तो कुछ खा के हम हमारा शॉपिंग फिर से करके फिर से हमारा जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइस ये जो है यहाँ का चाय है 15 रुपीज़ करके। सो गाइस अभी हम हमारा जर्नी जो है वो फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो तुम लोग देख ही सकते हो ये जो है ये हमारा मीन्स 3 दिन के लिए हमारा गाड़ी है, ये है हमारा गाड़ी। और गाड़ी एक्चुअली बहुत कई बताओ मीन्स लेंथ से बहुत बड़ा है। क्वार्टर है वैसे 248। सो मेन डेस्टिनेशन में जाते जाते और 3 या 4 घंटे। सो गाइस उस दिन आने में हम लोगों को लगभग 9 बज गया था, तो उस दिन और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग होटल में जाके खा के सो गया था। अभी मैं तुम लोगों को नेक्स्ट दिन क्या क्या हुआ वो शेयर करूंगा। तो चलो लेट्स एंजॉय। ये जो है वो है बीच, और हम लोग यहाँ से 50 सीढ़ियाँ पार कर लिया है, तो अभी भी वहाँ पे उठना पड़ेगा। मिट्टू फारो ना करे दो दो दूर छुटी पड़े ये जो हम वो बीच का व्यू देखने के लिए यहाँ पे उठ रहा हूँ, और अभी भी बाकी है, और अभी भी बहुत सारा सीढ़ियाँ बाकी है। और यहाँ पे देख रहे हो वो जो सी का व्यू है, और हम लोग और भी ऊपर जाऊँगा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा व्यू होगा। ये इको पार्क जो है उसका मेन रीज़न ही है वो जो मीन्स व्यू देखना, और एक झरना है, बंगाली में झरना ही कहते हैं, हिंदी में मुझे को पता नहीं है, इंग्लिश में मे भी वाटरफॉल जैसा कुछ कहता है। वो जो एक बीच का व्यू और दूसरा वो वाटरफॉल देखने के लिए ये जो इको पार्क बना है।
तो लगभग अभी हम लोग 90% ऊपर आ गए हो, और तुम लोग देख ही सकते हो ये जो कॉक्स बाजार का जो सी है उसका व्यू देख ही सकते हो, ये जो है उसका व्यू। तो गाइस तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे डाब भी बिछ रहा है, तो यहाँ पे दोलना वगैरह भी है। मैं तुम लोग को बोला था कि हम लोग 90% आए हो, और भी 10% बाकी है, ये तुम लोग देख ही सकते हो। और व्यू जो है भाई ऑसम है, ऑसम देख ही सकते हो, ये देखो व्यू। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से हमारा जो वाटरफॉल है उसमें हम लोग जा रहा हो। तुम्हारा बांग्लादेश का ट्रिप कैसा लग रहा है? अच्छा है, यहाँ पर लोग बहुत मस्त है, बहुत मस्त। ये जर्नी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा ब्लॉग कर रहा है, लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ का जो काइट होता है, हमारा यहाँ पर जो काइट होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का है। कितना छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे जैसा एज का लोग यहाँ पे काम कर रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई करो, आईपीएस बनो। सो गाइस अभी हम लोग हमारा जो वाटरफॉल है उसका स्पॉट में आ गए हो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहा हो, और अभी हम लोग हमारा जो कॉक्स बाजार का बीच है वहाँ पे जा रहा हो। उसी टाइम में ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि पानी में तो फोन लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए उस टाइम में ब्लॉग नहीं कर पाया। तो अभी हम लोग फिर से मींस होटल में जाके नहा के फिर से आ गया, और जो सनसेट है वो देखने के लिए। तो तुम लोग देख ही सकते हो अभी टाइम है 3:59, और हम लोगों को होटल से बोला कि 4 बजे निकल जाने के लिए क्योंकि वो सूरज डूब जाएगा। लगता है 2 or 3 hours हम लोगों को वेट करना पड़ेगा सनसेट देखने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का फ्लैग है, रेड फ्लैग, येलो फ्लैग। रेड मीन्स वहाँ पे तुम लोग जा ही नहीं सकते, लगता है वहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है वो लगता है बहुत हाई है, इसलिए बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रेड कलर जो फ्लैग है वो दे दिया है। एक्चुअली एक बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जो टूरिस्ट पीपल है मीन्स हमारे तरह, हम लोगों को तो ये मीन्स मालूम नहीं होगा, तो इसलिए ये बहुत अच्छा। अभी तुम लोग देख ही सकते हो ये है कुछ व्यू। अगर होटल लेना है तो यहाँ पे लो, यहाँ से जो मीन्स ये बीच का व्यू होगा वो एकदम एक नंबर होगा। सो गाइस तो यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है, देख के बुक दिया कि था स्टेप दिस। फुटबॉलर मारे भी तो डुके से माता हूँ तो उड़े ले लूल। सो गाइस तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे ये जो होता है ए इधर किता गए शामुक। तो सामने बीच और उसके ऊपर में प्लेन, वो भी देखने में मींस क्या ही बताओ, एकदम जस्ट टेक ऑफ किया तो बहुत अच्छा लगता है। वो जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग जस्ट व्यू देखो, जस्ट ये व्यू देखो। तुम सब लोग एक बार यहाँ पे आके 2 दिन के लिए रुक जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा बक्कर सूर्य डूबा की तू सूर्य मेघालय से रख के, तो अगर ये क्लाउड हटेगा तो भी पॉसिबल होगा वो सनसेट हम लोगों को देखने के लिए। सो गाइस यहाँ पे जो सनसेट हो रहा था तो अभी तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे मीन्स क्या ही बताओ। I'm not too bummed around.